स्टार्ट विद द सेशन और करते हैं हम करते हैं हम कम्युनिकेशन के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को. सो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके लिए एवरीवन, जल्दी से पढ़ना है, 30 सेकंड्स में उसका मुझे आंसर देना है. ठीक है, चलो. ओवर हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस कम्युनिकेशन के कौन से मॉडल में इंक्लूड किया गया है? ठीक है, कम्युनिकेशन के तीन मॉडल्स हैं, लीनियर, ट्रांजैक्शनल, इंटरैक्शनल. इनमें से किसके अंदर फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस को इंक्लूड किया गया है? चलो क्विकली. ओके, so many of you are saying the correct answer will be option number B. Field of experience को transactional model में include किया गया है, but the answer for this question is C. No, everyone is wrong. Field of experience interactional model में include किया गया है. Transactional model में field of experience नहीं. Transactional model क्या? Face to face communication जब हो रहा है. अगर मैं बात करूँ interactional, तो जब आप communication करते हो किसी media के through, किसी न्यू मीडिया के थ्रू, तो उसमें फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस को इंक्लूड किया गया है. विल्बर स्क्रैम ने इस मॉडल के अंदर फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस को इंक्लूड किया था. उनका कहना था कि जब दो पर्सन कम्युनिकेट करेंगे और उनका फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस मैच करेगा, मतलब जो मुझे आता है मेरा एक्सपीरियंस आपके एक्सपीरियंस के साथ मैच करेगा, तभी हमारे बीच में कम्युनिकेशन हो पाएगा. फॉर एग्जाम्पल, मैं उस लैंग्वेज में बोलूँ जो आपको आती है, तभी कम्युनिकेशन हो पाएगा. राइट, मेरी अंडरस्टैंडिंग वही है, मैं वही चीज समझती हूँ और उसी तरह से आपको समझा पा रही हूँ जिस तरह से आप समझते हो, तो ये कम्युनिकेशन हो पाएगा. सो द करेक्ट आंसर इज इंटरैक्शनल मॉडल में फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस के कॉन्सेप्ट को दिया गया है, ट्रांजैक्शन मॉडल नहीं था. ठीक है, सबने गलत किया, कोई बात नहीं, सीख लो. फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस क्या होता है? आपका एक्सपीरियंस, आपका बैकग्राउंड, आपका कल्चर. तो जब दो लोग का बैकग्राउंड, कल्चर, एक्सपीरियंस मैच करता है, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन हो पाता है. दिस इज व्हाट हैज बीन इंक्लूडेड इन इंटरैक्शनल मॉडल. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या चीज मिसिंग है बर्लो के मॉडल के अंदर? ठीक है, सोर्स, फीडबैक, चैनल या नन. बर्लो के मॉडल में किस चीज की बात नहीं की गई है? प्रीवियस सेशन में बी करेक्ट था? नहीं, बिल्कुल नहीं, बी गलत है. फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस सिर्फ इंटरैक्शनल मॉडल में की दिया गया है, ट्रांजैक्शनल में कतई नहीं हो सकता फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि वो इंटरैक्शनल में आता है. इंटरैक्शनल में मीडिया के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, तो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस तब भी आएगा. मीडिया के थ्रू कम्युनिकेशन होता है तो क्या हुआ? फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस इंटरैक्शनल में होगा. बेसिक्स ही क्लियर नहीं है बर्नाली, कब से आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो. सो इंटरैक्शनल मॉडल के अंदर ही हम फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस को लेके चलते हैं. आज क्लास के बाद जाके रिवाइज करना. ठीक है, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस इंटरैक्शनल के अंदर होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, एक बार रिवाइज करना क्लास के बाद. यस, सो इस क्वेश्चन में काफी सारे लोगों ने ऑप्शन नंबर बी दिया है एंड दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. बर्लो का मॉडल कौन सा मॉडल है? लीनियर मॉडल है. ठीक है, बर्लो का मॉडल कौन सा मॉडल है? लीनियर मॉडल है. SMCR मॉडल बोलते हो. SMCR मतलब सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर. राइट, तो यहां पर क्या चीज मिसिंग है? फीडबैक मिसिंग है, क्योंकि ये लीनियर होता है और लीनियर कम्युनिकेशन में कोई फीडबैक नहीं होता है. तो वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड एवरीवन. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आपको गिवन है. ऑसगुड मॉडल के बारे में कुछ बताया जा रहा है और आपको थ्री स्टेटमेंट्स गिवन है. तीनों स्टेटमेंट्स से पढ़ के बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होगी. ठीक है, 30 सेकेंड्स फॉर हिंदी ऑल्सो. जल्दी जल्दी से पढ़ो और बताओ कौन सा कथन यहां पर सही है.
यस आई एम गेटिंग सी एज एन आंसर. ज्यादातर लोग सी बोल रहे हो. जल्दी से पढ़ लो और जल्दी से आंसर कर लो. 5 सेकेंड्स मोर. डन. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डेफिनेटली सी. ठीक है, देखो ऑसगुड स्क्रैम मॉडल कौन सा है. तो ऑसगुड स्क्रैम मॉडल हमारा इंटरैक्शनल मॉडल है. ऑसगुड ने मॉडल पहले दिया था, फिर स्क्रैम ने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया था, इसलिए हम इसको ऑसगुड स्क्रैम मॉडल के नाम से जानते हैं. तो देखो ऑसगुड ने कहा था कम्युनिकेशन सर्क्यूलर होती है, फिर उसको समझाया, उसको आगे मॉडिफाई स्क्रैम ने किया, इसलिए ऑसगुड स्क्रैम मॉडल बोलते हैं. और इंटरैक्शनल मॉडल को ही कन्वर्जेंस मॉडल के नाम से भी जानते हैं. क्यों? क्योंकि ये कन्वर्ज करता है, मीडिया भी इन्वॉल्व करता है कम्युनिकेशन के अंदर, तो ये कन्वर्जेंस मॉडल के नाम से जाना जाता है. ये करेक्ट है. लेकिन आपका ये मॉडल मतलब इंटरैक्शनल मॉडल लीनियर है? नहीं, इंटरैक्शनल मॉडल लीनियर नहीं है, यहाँ पे फीडबैक होता है. थर्ड स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम. विल्बर स्क्रैम फादर ऑफ मास कम्युनिकेशन माने जाते हैं. यस, विल्बर स्क्रैम इज द फादर ऑफ मास कम्युनिकेशन. सो स्टेटमेंट 1 एंड 3 तो करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है. सो वेरी गुड एवरीवन, द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, ऑसगुड मॉडल को ही हम बोलते हैं क्या, आपका कॉन्वर्जेंस मॉडल. तो इनिशियली ये जो आपका इंटरैक्शनल मॉडल है वो चार्ल्स ऑसगुड ने बोल दिया था, उसको लेटर अमेंड किया, मॉडिफाई किया स्क्रैम ने, और इसलिए हम उसको स्क्रैम मॉडल भी या कभी कभी स्क्रैम ऑसगुड मॉडल के नाम से भी जानते हैं. एंड विल्बर स्क्रैम इज द फादर ऑफ मास कम्युनिकेशन. नेक्स्ट, ह्यूगन्स वाइट मॉडल स्टेट्स दैट कम्युनिकेशन सर्क्यूलर है, कम्युनिकेशन कंटिन्यूअस है, बिगनिंग नहीं होती कम्युनिकेशन की, एंड नहीं होती. तो वाइट मॉडल में हमें बताया गया है कि कम्युनिकेशन सर्क्यूलर है, कम्युनिकेशन की कोई फिक्स बिगनिंग नहीं है, कोई एंड नहीं है. और वाइट मॉडल में कम्युनिकेशन के कुछ स्टेजेस भी दिए गए थे. तो कम्युनिकेशन के कितने स्टेजेस हैं वाइट मॉडल के अकॉर्डिंग, जल्दी से बता दो. पूजा प्लीज अपना नेट चेक कर लो, क्लीन नहीं आ रहा है तो रेजोल्यूशन बढ़ा लो. एवरीथिंग इज फाइन हियर. वाइट के अनुसार कितने स्टेजेस हैं कम्युनिकेशन के अंदर? मेनी ऑफ यू आर सेइंग ऑप्शन, मतलब ऑलमोस्ट एवरीवन इज सेइंग ऑप्शन नंबर बी, मतलब 5. सो लीनियर इंटरैक्शनल क्यों नहीं होगा? क्योंकि लीनियर अलग है, इंटरैक्शनल अलग है, दोनों में अंतर है. यस, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए गाइज, नॉट बी. 5 नहीं था आपके वाइट मॉडल में, वाइट मॉडल ने 8 स्टेजेस दिए थे. सो बिल्कुल सबने ही भेड़ चाल चलिए, जिसको हम बोलते हैं एड पॉपुलम, सबने एक दूसरे को कॉपी कर लिया. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 8 स्टेजेस. फाइन, ये सब बुक में नहीं मिलते. बुक में इसलिए नहीं मिलते क्योंकि ऑब्वियसली कोई एक फिक्स्ड बुक है ही नहीं आपके यूजीसी नेट की, इसलिए हम बोलते हैं क्लासेस फॉलो करो, पेड कोर्सेज ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपको कहीं भी ये सारी चीजें ऐसे सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर्ड वे में पेपर 1 नहीं मिलेगा. यस, तो वाइट मॉडल के 8 स्टेजेस होते हैं. ठीक है, कौन कौन से स्टेजेस होते हैं वाइट मॉडल में? कहा गया पहले हम सोचते हैं, दिमाग में मैसेज हमारा चला मतलब थिंकिंग हुई, फिर उसको हम सिंबलाइज करते हैं कि कैसे उसको बोलोगे, मतलब एनकोडिंग होती है. ठीक है, मैं क्या बोलूंगी कैसे बोलूंगी, एनकोडिंग होता है, फिर मैसेज एक्सप्रेस करते हो, फिर बोल दिया तो वो आपके रिसीवर तक ट्रांसमिट होगा, रिसीवर ने रिसीव किया, फिर डिकोड करता है. ठीक है, मैसेज आपके लिए उसने बनाया, फीडबैक दिया, उस फीडबैक को आप मॉनिटर करते हो, मतलब देखते हो कि मेरे रिसीवर को मेरी बात समझ में आ गई, उसने मैसेज सही तरीके से समझाया या नहीं समझाया. फिर उसके बाद फिर से आप थिंकिंग करते हो. तो आपके वाइट मॉडल में 8 स्टेजेस होते हैं, 5 नहीं होता. ठीक है, यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5. चलो नेक्स्ट, कोले एंड चैन मॉडल किसके लिए दिया गया था? कोले एंड चैन मॉडल ग्रुप कम्युनिकेशन के लिए दिया गया था, क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए, मास कम्युनिकेशन के लिए, या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए? ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं. देखो जहां भी गलती हो प्लीज उस चीज को क्लास के बाद नोट डाउन कर लेना. सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यू पीपल आर प्रैक्टिसिंग हियर.
वेरी गुड, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। कोले एंड चान मॉडल क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए दिया गया था। कोले एंड चान मॉडल क्या हमें बताता है कि क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसे होगी। क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसे होती है, पहले मैसेज फॉर्म्यूलेट होता है, फिर फॉर्म्यूलेट होने के बाद टीचर उसको बच्चों को ट्रांसमिट करता है, फिर बच्चे समझते हैं, समझने के बाद फीडबैक देते हैं और उसी से क्या होता है, इवैल्यूएशन होता है। टीचर इवैल्यूएट करता है कि बच्चे समझ गए मेरी बात को या बच्चे नहीं समझ गए मेरी बात को, राइट। सो आपका कोले एंड चान मॉडल दिया गया था फॉर क्लासरूम कम्युनिकेशन। इसमें क्या आता है, पहले मैसेज का फॉर्म्यूलेशन होगा, मतलब मेरे दिमाग में मैसेज बनेगा एज अ टीचर। मैं पहले आपके लिए मैसेज बनाऊंगी, फिर उस मैसेज को मैं आपके लिए एनकोड करूंगी। मतलब देखो, हिंदी वाले क्लास में जाओगे जहां बच्चे हिंदी समझ रहे हैं तो हिंदी में बोलोगे, जहां बच्चे इंग्लिश समझ रहे हैं इंग्लिश में आप बोलोगे, तो मतलब आप एनकोडिंग करोगे। फिर आप मैसेज को ट्रांसमिट करोगे, बच्चों को दिया आपने मैसेज, बच्चे डिकोड करेंगे आपके मैसेज को, फिर आपको फीडबैक देंगे। जैसे ही आपको फीडबैक मिला एज अ टीचर आप इवैल्यूएट करते हो। तो कोले एंड चान का मॉडल ये है, ठीक है, कोले एंड चान का मॉडल ये है। ऐप पर फ्री क्लासेस मेरी कब होती है, नेक्स्ट वीक होगी, 3 दिन, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, 3 दिन होती है मेरी फ्री क्लासेस ऐप के ऊपर, और वो भी अल्टरनेट वीक्स, हर हफ्ते नहीं होती है। जैसे इस वीक नहीं है, नेक्स्ट वीक होगी, फिर उसके बाद एक हफ्ते नहीं होगी, फिर नेक्स्ट वीक होगी, ऐसे होता है, ठीक है। हाँ जी, चले नेक्स्ट। जिसको नहीं आ रहा है, मतलब ये नहीं आ रहा है, इसके पीछे रीजन ये है कि हमने ये सारी चीजें नहीं पढ़ी हैं, तो प्लीज ये सारी चीजें पढ़ लो। और इसी तरह के प्रीवियस या क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम्स में। कम्युनिकेशन देखने में आसान लगता है लेकिन क्वेश्चंस बहुत घुमा के आते हैं, इसलिए कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखना, ठीक है। कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर रखना, क्योंकि इसके ऊपर कॉन्सेप्ट्स बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं, कभी भी आपसे ऐसे सिंपल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। टेलीग्राम पे पीडीएफ क्यों नहीं मिलता, टेलीग्राम पे आपको सारे पीडीएफ नहीं मिलेंगे, ऑब्वियसली यू विल बी गेटिंग पीडीएफ इन द पेड क्लासेस, तो पेड क्लासेस ज्वाइन करना होगा पीडीएफ के लिए आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेक्निक टू रिमेंबर लार्ज इन्फॉर्मेशन एंड ब्रेक इट इंटू स्मॉलर पीसेस लाइक चार्ट्स, लिस्ट, एक्रोनिम्स इज नोन एज व्हाट। जब आप लार्ज इन्फॉर्मेशन को याद रखने के लिए उसको छोटे छोटे चार्ट्स, पिक्चर्स में ब्रेक डाउन करते हो तो उसको क्या बोलते हो। यस, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। द करेक्ट आंसर इज न्यूमोनिक्स। न्यूमोनिक्स ही करेक्ट आंसर है आपका, कि हम हम जब क्या करते हैं, लार्ज इन्फॉर्मेशन को छोटे से पिक्चर में, चार्ट्स में ब्रेक डाउन कर लेते हैं, एक्रोनिम्स में ब्रेक डाउन कर लेते हैं ताकि वो हमें याद रहे, तो इसको न्यूमोनिक्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, हमने किस मंथ में कितने डेज होते हैं ऐसे ही याद किया, और आज भी हम ऐसे ही उसको रिकॉल भी करते हैं। कहीं फंस जाओगे तो जल्दी से काउंट करते हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, हमने ऐसे ही याद किया हुआ है। इसके साथ साथ सोलर सिस्टम के नाम हमने कैसे याद किए हैं, सोलर सिस्टम के नाम याद किए थे हमने इस तरह से, माई वेरी एजुकेटेड मदर, जस्ट एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। तो इस तरह से आपने क्या याद किया था, सारे सोलर सिस्टम के नाम, मतलब प्लैनेट्स के नाम याद करे थे, जैसे मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेप्ट्यून। तो इस तरह से हम जब न्यूमोनिक्स बना के चीजों को याद करते हैं तो आसानी से हमें याद हो जाती है। रिसर्च में आपने याद किया हुआ है न्यूमोनिक, ट्रिपल एस सी, आपका रैंडम सैम्पलिंग के लिए, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के लिए, फिर ACP, शरद कुमार याद किया हुआ है किसके लिए, नॉन प्रोबेबिलिटी के लिए, यही न्यूमोनिक्स होता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। डांस ऑफ हनी बी कन्वेइंग अदर बीज वेयर नेक्टर विल बी फाउंड। हनी बी का डांस जो दूसरे बीज को बता रहा है कि नेक्टर कहाँ पर मिलेगा जिससे वो शहद बना सकते हैं, तो ये कौन सा कम्युनिकेशन है, मास कम्युनिकेशन, ग्रुप, इंटर या इंट्रापर्सनल। हाँ
वेरी गुड वेरी गुड एवरीवन, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी बी, ग्रुप कम्युनिकेशन। एक हनी बी बाकी बीज को कम्युनिकेट कर रही है कि नेक्टर कहाँ मिलेगा। ये मास कम्युनिकेशन नहीं होगा, ये ग्रुप होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक गोल है और उस गोल के लिए हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, और किसको कम्युनिकेट कर रहे हैं? दूसरे बीज को। तो ग्रुप कम्युनिकेशन है। अगर हम ग्रुप कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो उसमें हमेशा एक गोल होता है, और मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या मेंबर्स जिनसे आप कम्युनिकेट कर रहे हो ना, वो मेंबर्स आपस में एक दूसरे को जान रहे होते हैं। तो ये ग्रुप कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक होती है। यहाँ पे ग्रुप कम्युनिकेशन ही होगा, ठीक है? सी होना चाहिए, जबरदस्ती सी होना चाहिए। आंसर ग्रुप कम्युनिकेशन ही होगा। गोल है यहाँ पर, इंटरपर्सनल होता है, वन ऑन वन कम्युनिकेशन करो। तो जब आप वन ऑन वन करोगे तब इंटरपर्सनल होगा, यहाँ अदर बीज हैं तो ग्रुप कम्युनिकेशन है, ठीक है? ओके, सो यहाँ पर अगर हम बात करें, समझ नहीं आया ये क्वेश्चन शबा, आई थिंक आपका भी बेसिक्स क्लियर नहीं है इसलिए आपको क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं। ये सबसे आसान क्वेश्चन है अभी तक का पूरे चैप्टर में से, मतलब जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं सबसे आसान है। देखो, ग्रुप कम्युनिकेशन होता है जब एक फिक्स्ड गोल होता है, मतलब हमारे पास एक उद्देश्य है जिसके लिए कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और उद्देश्य भी किससे करेंगे? वेल डिफाइंड ग्रुप से, जहां पे मेंबर्स एक दूसरे को जान रहे हैं। तो ये आपका ग्रुप कम्युनिकेशन होता है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये टीचिंग का कॉन्सेप्ट है, लेकिन देखो इसको कम्युनिकेशन से लिंक करके पूछा गया था आपके एग्जाम में। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो एजुकेशनल कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, वो किसने डेवलप किया था? अगर मैं बात करूं तो ये आपका 2021 का, मतलब 2021 का क्वेश्चन है। चलो जल्दी से बताओ ये किसने दिया था। फ्री क्लासेस 10 बजे ही होती हैं, यस, वेरी गुड वेरी गुड एवरीवन। जल्दी जल्दी से आंसर करते जाओ। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको आप बोलते हो ZPD, ये कॉन्सेप्ट दिया था लेव वाइगोत्स्की ने। सो द करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली ऑप्शन नंबर सी, कि ये कॉन्सेप्ट हमारा जो एजुकेशनल कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है वो आपको दिया था लेव वाइगोत्स्की ने। क्या बोलते हैं वाइगोत्स्की? वाइगोत्स्की बोलते हैं एक एरिया तो ऐसा होता है, मतलब हमारी क्षमता तीन तरह की होती है। एक तो होती है जहां पर हमें किसी के हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब बहुत से काम ऐसे होते हैं जो बिना हेल्प के हम कर लेते हैं, ठीक है? ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो हम खुद से कर सकते हैं, हमें किसी की हेल्प नहीं चाहिए। फिर ये एरिया वो होता है जहां पर हमको हेल्प चाहिए, मतलब अगर आप हमें बता दोगे, हेल्प कर दोगे तो हम कर लेंगे। अगर आपने हेल्प नहीं करी तो मैं नहीं डेवलप कर पाऊंगी अपना ये एरिया। फिर अब ये एरिया होता है जो तुम कर ही नहीं सकते, मतलब हमारी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी कह सकते हो एबिलिटी से बाहर होती है, ये हम कर ही नहीं सकते। तो ये वाला जो एरिया होता है ना जहां हमें हेल्प मिल जाए तो हम कर लेंगे, इसी को बोलते हो ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और ये कॉन्सेप्ट दिया था आपको लेव वाइगोत्स्की ने, यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मीडिया प्रोडक्शन, जब आप मीडिया प्रोडक्शन कर रहे हो, मतलब कम्युनिकेशन मास मीडिया के थ्रू करोगे, तो किस तरह से कम्युनिकेशन होगा? ओके, सो ऑल डीज आई एम गेटिंग एज एन आंसर। चलो देखते हैं डी है क्या, करेक्ट है क्या। ओके, 100% डी करेक्ट है, चले लेट्स सी, बी इज एब्सोल्युटली राइट। अच्छा क्यों होगा? देखो सबसे पहले कम्युनिकेशन हो रहा है तो सबसे पहले प्लानिंग होगा, यस।
तो ए और सी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब प्लानिंग के बाद क्या करोगे? प्लानिंग के बाद कहा गया है यहाँ पर कि प्रोडक्शन करने लगोगे, मतलब प्लान किया और प्रोड्यूस करने लगे। नहीं, पहले प्लान करोगे फिर कंटेंट बनाओगे। कंटेंट बन गया फिर प्रोडक्शन होती है, फिर ट्रांसमिशन होगा और फिर ही फीडबैक मिलेगा। तो बस इस तरह से करो कि पहले प्लानिंग लास्ट में फीडबैक। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। वेल डन एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू, दो स्टेटमेंट्स गिवन है और कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना है यहाँ पर। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट लग रही है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? ऑप्शंस में से जल्दी से बताओ। यस, मैनी ऑफ यू हैव आंसर्ड ऑप्शन नंबर डी, और डी ही क्या होगा? डी ही करेक्ट होगा। ठीक है, क्रेडेंस का मतलब होता है विश्वास, और विश्वास हो जाता है तो डी ही करेक्ट होगा क्योंकि स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट है बट टू करेक्ट है। अच्छा क्यों? टीचर अगर आक्रात्मक और भड़काऊ बातें करती है क्लास में तो इससे टीचिंग आपकी इंटरेस्टिंग नहीं होगी, टीचिंग इफेक्टिव नहीं होगी। बट ऐसी कम्युनिकेशन करोगे तो टीचिंग इनएफेक्टिव हो जाएगी क्योंकि बच्चे आपकी बात से अग्री नहीं करेंगे, बच्चे ऑफेंड होंगे आपकी बातों से, और जब बच्चे आपकी बात को नहीं मान रहे हैं तो कम्युनिकेशन इनएफेक्टिव हो गई, टीचिंग आपकी इनएफेक्टिव हो गई। लेकिन उचित शब्दों का यूज करोगे तो इससे कम्युनिकेशन क्या होती है? ट्रस्टवर्दी हो जाती है, कम्युनिकेशन के अंदर क्रेडेंस आ जाता है। तो स्टेटमेंट वन करेक्ट नहीं है, स्टेटमेंट टू करेक्ट है। ठीक है, यस। अगेन टू स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे। परसुएसिव कम्युनिकेशन के बारे में आपको स्टेटमेंट दोनों दी हुई हैं और पढ़ के बताना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या कोई भी एक स्टेटमेंट करेक्ट है। क्विकली ठीक है, हिंदी में भी देखें। सो ऑल एज एज एन आंसर, सबको ए लग रहा है। तो देखो, अगर क्लास में एब्सोल्युटली ए करेक्ट है, लेकिन अगर हम बात करें क्लास में जब टीचर परसुएसिव कम्युनिकेशन यूज करता है, परसुएसिव कम्युनिकेशन होता है, परसुएड का मतलब होता है अपनी बात मनवाना। तो परसुएसिव कम्युनिकेशन होती है जब हम क्लासरूम में कम्युनिकेशन करते हैं अपनी बात मनवाने के लिए, तो वो इसलिए करते हैं ताकि मेरी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स एक्सेप्ट कर ले, जो मैं बता रही हूँ वही बच्चे माने, तो इसलिए पर्सुएसिव कम्युनिकेशन की जाती है। यस, अगर इंस्टीट्यूशनल लेवल पे होगी, मतलब कोई संस्था कर रही है, तो इसके लिए, इसके पीछे रीजन होता है अपनी इमेज बिल्ड करना। ऑब्वियसली जब लोग उनसे, उनकी बात से सहमत होंगे, लोग उन पे ट्रस्ट करेंगे तो इमेज बिल्ड होगा। यस, सो द बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, स्टेटमेंट वन भी और टू भी। नेक्स्ट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो स्टडी ऑफ नॉन लिंग्विस्टिक बॉडी मूवमेंट से कंसर्न्ड है। ठीक है, तो वो कौन सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगा जो बॉडी लैंग्वेज से आपके कंसर्न्ड होता है?
यस, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज काइनेसिक्स. काइनेसिक्स ही आपके नॉन लिंग्विस्टिक बॉडी मूवमेंट से कंसर्न होता है. काइनेसिक्स का मतलब ही होता है मूवमेंट. तो जब हम बॉडी मूवमेंट से कम्युनिकेशन करते हैं तो वो काइनेसिक्स के अंदर आता है. जैसे कि मेरा हाथ हाथ का जेस्चर आप बोल सकते हो, या मैं जिस तरह से अपने हाथों का यूज कर रही हूँ, अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज कर रही हूँ कम्युनिकेशन के लिए, तो दैट कम्स अंडर काइनेसिक्स.